सो हेलो गाइज, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट पेंटिंग। सो गाइज, आज जो वीडियो है काफ़ी टाइम बाद आ रही है, तो आपको तो पता है गाइस, मैंने बताया पिछले वीडियो में घर का काम चल रहा है, तो अभी भी चल ही रहा है यार। तो आप मौसम मेरे पीछे देख सकते हो कितना ही ज़्यादा ख़राब रखा है, कितना ही ज़्यादा काला काला हो रखा है। मतलब यार दो तीन दिनों से बारिश हो रही है लगातार, तो इस वजह से भाई काम भी नहीं हो पा रहा और ना वीडियो आ पा रही, क्योंकि बारिश आती रहती है तो छत पर मैं आ ही नहीं पाता, तो वीडियो मैं शूट कैसे करूँ। और काम चल रहा था तो काम की वजह से और नहीं आ पा रहा था। बाकी कबूतर सारे अपने एसी में है, बारिश के चक्कर में ना कुछ हो पा रहा है इनका, ठीक है भाई। तो अभी तो मैं आया था दाना देने के लिए इनको, काम हो ही नहीं पा रहा, बारिश के चक्कर में रुक गया है काम, जितना हुआ उतना पे ही रुक गया है। तो वैसे तो रंजन भाई ने दिखा दिया कि भाई हमारी छत बड़ी हो चुकी है, तो आप देख सकते हो गाइस। सोचा कि मैं भी एक बार आपको अपनी वीडियोस में दिखा दूं, क्योंकि मुझसे प्यार करने वाले बंदे अलग हैं, काफ़ी बंदे उनमें से ही हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है गाइस। तो सोचा कि अपने भी फैमिली मेम्बर को दिखा दिया जाए जो कि बुरा ना लगे। तो मैंने बोला था कि अपनी छत जब बन जाएगी पूरी तब पूरी अच्छे से दिखाऊंगा, बट मैं दिखा ही नहीं पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश के चक्कर में भाई काम तेज़ी में हो गया इस टाइम से, और देखो छत भी अभी पूरी पक्की नहीं हुई है, देख सकते हो अभी भी छत टूटी फूटी सी दिख रही होगी आपको, क्योंकि बारिश हो गई। तो इसके ऊपर एक बार फर्श और डलेगा अभी चिकना वाला एकदम, तो इस वजह से भाई काम रुक गया है। वैसे तो ट्यूसडे तक बारिश दिखा रहा है, बाकी देखते हैं गाइस। आज तो भाई मंडे है, मंडे को भी देख सकते हो बारिश का मौसम हुआ पड़ा, बस बारिश हुई नहीं है सुबह से, बस बादल ही हो रखे हैं काले काले। काम हो सकता था बट क्या करे भाई, रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि भाई नीचे का काम ख़त्म हो चुका है मैक्सिमम, और जो काम है वो ऊपर कराएगा, ऊपर बाउंड्री खींचेगी और मुमटी बनेगी, सामने ग्रिल लगेगी। और मैंने सोचा एक बार अपनी छत का व्यू दे देंगे भाई, कि यहाँ से अपनी छत का व्यू कैसा आ रहा है। फर्स्ट टाइम भाई हम भी अपनी छत से भाई इतना आगे आके देख रहे हैं, जो कि आप सब भाइयों के बिना पॉसिबल नहीं था यार, ठीक है। और ये जो भी हुआ है सिर्फ आप सब भाइयों के लिए हुआ है, वीडियोज़ के लिए, क्योंकि भाई हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी छत पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटी छत हो गई थी। तो अब देख सकते हो भाई हम यहाँ पर भी खड़े रहेंगे ना तो कबूतर सामने दाना चुगा करेंगे, देख रहे हो कितनी लंबी छत हो गई हमारी, लंबी बहुत है छत, चौड़ाई में थोड़ी कम है, बट कोई नहीं, एडजस्टमेंट हम कर लेंगे इसमें भी, हमारे लिए बहुत है भाई इतना। पहले भाई 4-5 साल से जब भी जो भी हम वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर, पता नहीं मुझे मैक्सिमम तो नहीं पता, बट रंजन भाई 4 साल से मेरे हिसाब से वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर, तो इतनी सी छत से स्टार्ट किया था देखो गाइस, और आज आप सब भाइयों का प्यार मिला तो आज इतनी और बढ़ गई। तो अगर आप सब भाइयों का प्यार ऐसे ही बना रहा तो इससे बड़ी भी छत हो जाएगी, बस यही कहना था यार। बस अपने ऊपर हौसला रखो भाई, ठीक है, वो चीज़ आपकी ज़रूर मिलेगी अगर आप उसमें अपना वक्त टाइम दे रहे हो तो, ठीक है। तो बस भाई अपना टाइम देते रहो, सफलता अपने आप मिलती रहेगी आपको, बस यही कहना था यार। बाकी मैं तो चाहता हूँ भाई जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म हो जाए, कबूतरों को भी खुले हुए 4-5 दिन से ज़्यादा हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम भाई जब छत अभी काम शुरू नहीं हुआ था बस नीचे ही चल रहा था, तब से भाई मतलब जिस दिन से भाई छत बनना चालू हुई ना, मतलब छत का काम स्टार्ट हुआ, उस दिन से नेटवर्क सब हट गया, जाल वाल खोल दिया, बेक दिया, सब कर दिया, देख सकते हो गाइस। और अब कुछ नहीं रहेगा भाई, सामने एक मैक्सिमम एक जाल रहेगा, और पहले तो भाई नीचे यहाँ पर एक लेटरिन थी, मतलब एक यहाँ पे था वॉशरूम था, तो वो नहीं रहेगा, पूरी छत मतलब अपनी पूरी बड़ी खुली रहेगी, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो गई, अपनी छत बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई लिटरली। तो अभी देखते हैं भाई कब तक भाई कबूतर खुलते हैं, मुझे तो कबूतरों का रिएक्शन लेना है, तो इसके लिए बेताब हो रहा हूँ कबूतरों का रिएक्शन कैसा आएगा, क्योंकि कबूतर भाई इतने सालों बाद बड़ी छत पर खुलेंगे, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा इनको और इंतजार ना है, बस कल का जो दिन है ना वो बस निकालना है इनको, मंगलवार का, फिर उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा फिर से भाई। और अपना जो है भाई स्कूल भी खुल गए हैं, तो मैंने सोचा स्कूल से पहले भाई सारा काम ख़त्म हो जाएगा, बट हो ही नहीं पाया, और बारिश फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। 15 दिन तो हो गए भाई काम के स्टार्ट हुए, बट काम ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, क्या करें। अभी तो नीचे का ही काम अधूरा है भाई, बिजली फिटिंग होगी, मतलब फिटिंग तो हो चुकी है, बस तार वार डलने हैं, मेन काम तो यही बाकी है, बाकी टंकी फिटिंग, पानी फिटिंग है, इस पर फर्श डलेगा, मुमटी बनेगी, प्लास्टर होगा, मैक्सिमम अभी भाई 5 दिन का काम है उन अंकल का। तो बारिश अगर नहीं होती ना तो भाई अभी तक भाई मुमटी भी बन गई रहती हमारी, ठीक है, 3 दिन वैसे ही ख़राब चले गए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई बारिश ना हो कल के बाद, जिससे कि भाई मैं वीडियोस भी आपके लिए लेकर आते रहूँ, बढ़िया सी बनाता रहूँ। बाकी चलो इनको मैं दाना देता हूँ, पहले बहुत बातें हो गई। सो फाइनली गाइस दाना भी इनको दे दिया है मैंने, अपना दाना तो खा रहे हैं ये, और काफ़ी सारे कबूतर हो गए हैं, ठीक है भाई। तो इनको स्पेस नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा डंडियाँ लगा देता हूँ इनके लगाने के, मतलब बैठने के लिए, क्योंकि खुला खुला बैठेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में तो स्पेस रहता है, बस साइड साइड में तो भर जाता है। तो एक डंडी ये रही भाई, और एक डंडी और होगी, एक डंडी ये रही, मतलब 4 डंडी मैं लगा दूंगा इसके बाद, जब ये दाना वाना खा लेंगे ना, जब मैं बंद करके जाऊँ जब लगा दूंगा, क्योंकि फिर अभी गेट नहीं खुल पाएगा, तो अभी मैं लगा देता हूँ, तो बाद में मैं निकाल भी लेता हूँ इन्हें, ठीक है। इसको ना ज़रा बीच में करता हूँ, ज़्यादा इधर होगी भाई, क्योंकि अभी 2 और लगाऊँगा ना, तो इस हिसाब से स्पेस देखना पड़ेगा। अब ठीक है, चलो उसकी गलती से नहा इसी में घुट जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है, अभी लकड़ी बड़ी है बहुत ज़्यादा,
ये वाला पाइप तो रखा हुआ था, ये तो हर वाले हर जाल में लगा देता हूँ मैं पाइप, बहुत काम आता है ये पाइप, लेकिन अब काम नहीं आएगा क्योंकि अब मम्मी जी कपड़े सुखाने के लिए अपने लिए वहाँ लगवाएंगे रस्सी, ठीक है, तो रस्सी इस टाइप से बांधेंगे कि कबूतर खोलते समय हम रस्सी हटा दिया करेंगे और सिर्फ कपड़े सुखाते समय रस्सी बांध के रखा करेंगे। और अभी तो भाई काम बहुत कम ही हुआ है, मतलब नीचे प्लस्तर व्लस्तर हो चुका है, बिल्कुल फिनिश हो चुका है, नीचे का काम खत्म हो गया है, ठीक है, बस थोड़ा सा काम है रहा जीने का, प्लस्तर से एंट्री हटेगी जीने की, उसके बाद काम खत्म। और इसके ऊपर अभी दो दो ईंट के रद्दे और चढ़ेंगे क्योंकि ये छत जो है ना ऊंची हो गई और अपना दड़वा भाई नीचे हो गया, गड्ढे में चला गया, क्योंकि देख सकते हो पहले बॉर्डर कितना ऊंचा हुआ करता था क्योंकि छत अब खड़ी थी दोबारा, तो छत उसी के हिसाब से बनी है कि ढलान बन गया, पानी सीधा वहीं जा कर रुके, पहले तो सिर्फ ढलान कोने का था यहीं पर, अब लेकिन पूरी छत का बना है तो वहाँ पर जा कर पानी गिरता है, तो इसको पूरा उखाड़ना पड़ा था, इसलिए भाई छत छोटी हो मतलब नीची हो गई है, ऊंची हो गई है, तो इसलिए भाई इसको ऊपर ना दो रद्दे की डॉल लगेगी, तो यहाँ तक आ जाएगा पूरा जो निशान है ना ये यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर बढ़िया हो जाएगा, ऊंचा भी हो जाएगा, कबूतर नहीं बैठ पाएगा कैच कबूतर। और भाई इमेजिन करो कि छत पर भाई कितने सारे कबूतर आ सकते हैं आप, कितने सारे, मतलब लॉफ्ट तो नहीं है बट यहाँ पे जो स्पेस खाली होगा ना ये वाला, मतलब यहाँ पे बस एक ग्रिल लगेगी और यहाँ पे एक जगह बच जाएगी मुंटी बनने के बाद, तो यहाँ पर भाई मैं पेटी लगा दूंगा अगर मुझे अच्छा लगा तो, नहीं तो यहीं पे एक पेटी लगा देंगे मम्मी के पास, जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ लगा दूंगा क्योंकि अब तो स्पेस ही स्पेस है छत पर पूरी। तो आप यहाँ से एक बार भाई व्यू लो कितना ज़्यादा प्यारा आ रहा है ना आगे से, अब तो हम पूरा यहाँ तक आ सकते हैं एंड तक छज्जे तक, पहले हम वहीं रहा करते थे उतनी सी छोटी सी छत पर, बट अब यहाँ से देखो कितनी लंबी छत हो गई ना, अगर हम यहाँ पे भी खड़े रह के दाना देंगे ना तो पूरी छत पे कबूतर घूमेंगे। और पहले यार छत भाई ऊंची हो गई थी तो गड्ढे में चले गया था मकान हमारा, मतलब नीचा पड़ गया था, तो इस वजह से भाई मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि कपड़े सुखाने में दिक्कत होती है ये होती है, तो इस वजह से और हुआ और हमारे कबूतर के लिए हुआ, ठीक है। तो आपको नीचे चल कर थोड़ा सा दिखा देता हूँ नीचे कहाँ तक हुआ है काम, ये देख सकते हो अभी यहाँ पे मुमटी बनेगी, अगर बारिश नहीं होती तो वो अभी तक तैयार भी हो चुकी होती, तो अंदर चलते हैं। देखो भाई ये देख सकते हो नीचे का प्लस्तर व्लस्तर सब फिनिश है एकदम बढ़िया, बस पानी की फिटिंग का काम रह गया है और ये वाला जाल बंद होगा अभी, ये वाला यहाँ पे जाल था एक वेंटिलेशन का, अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे पेटी की वीडियो बनाता था आपको, भाई कितनी सारी यादें रह जाएंगी हमारी पुरानी पुरानी, यहाँ पे मैं वीडियो बनाया करता था कैमरा लगा कर, अब वो वाली वीडियो ऊपर बना करेगी, ठीक है। तो बिजली फिटिंग तो हो चुकी है, देखो बोर्ड वोर्ड सब लग गया है, बस तार लगना बाकी है, बट वो तो भाई जब फाइनल काम हो जाएगा ना एकदम बढ़िया, बिल्कुल मस्ती रंग कर अपने घर चले जाएंगे, साफ सफाई हो जाएगी, फिर उनके बाद बुलाएंगे हम बिजली वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जीने का प्लस्तर बाकी है, सेंट्री नहीं छूटी अभी, यहाँ पे प्लाई लगी पड़ी है, तो अभी बहुत सारा काम बाकी है लिटरली, तो आप सोच सकते हो मैं तो अभी अंदाज़ा बता रहा हूँ 4-5 दिन का काम बाकी है, तो हाँ इतना ही होगा ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि भाई देखो जो भी टाइम लगेगा ना बस मुमटी बनाने में, प्लस्तर करने में भाई बिल्कुल टाइम लगता, प्लस्तर करने में वो एक दिन में प्लस्तर करके चले जाएंगे अपना, ठीक है, 1 से 2 दिन में, बाकी मुमटी बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक दिन मुमटी खड़ा करने में लगेगा, फिर उसके अगले दिन छत बनाने में लगेगा, तो देखा जाएगा भाई जो होगा, बट जो मज़ा आ रहा है ना भाई छत पर वो भाई सिर्फ मैं ही फील कर सकता हूँ, नेक्स्ट लेवल भाई, इतनी ठंडी ठंडी हवा बह रही है ना, इतनी ठंडी ठंडी, ये देखो एक तो झंडा लहर रहा है अपना, तिरंगा भी लहर रहा है यहाँ पर, ये देखो, और तिरंगा पहले हम दूर से दिखाया करते थे, अब पास आके दिखा सकते हैं हम, मतलब बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई यार। और यहाँ से अभी मैं जाने ना डर लग रहा है भाई मुझे बहुत ज़्यादा, नीचे देखने में भाई बहुत ऊंचा मकान हो गया लिटरली, ये देख लो कितना ज़्यादा नीचे है, अभी गिरी लगी ना तो डर लग रहा है अभी मेरे को खुद, और देखो यहाँ से भी हरा भरा पेड़ दिख रहा है, अब तो मतलब पूरा गली दिखा करेगी यहाँ से, कोई कबूतर भी बैठ जाया करेगा स्कूल पे तो हम खुद दे सकते हैं इधर से, पहले हमें बोल पूछना पड़ता था उनसे कि कोई कबूतर तो नहीं बैठा इधर, अब तो भाई वो भी हमें दिख जाया करेगा, मतलब कि ऑल ओवर भाई बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं, तो वो सब आपसे भाइयों के वजह से हुआ है, तो प्लीज़ यार प्यार देते रहो, प्लीज़ हमें हमसे रूठना मत कि भाई वीडियो नहीं डाल ले भाई भाव खा रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट मत करना, देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो तो आज बारिश नहीं हुई थी इस वजह से मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, नहीं तो ये भी नहीं बनाता, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में आता था दाना वाना देता था और नीचे चला जाता था, क्योंकि बारिश में भाई मैं खुद गीला हो जाता था, तो वीडियो कैसे बनाऊँगा आप खुद सोच सकते हो। बाकी अपना दड़वा पड़वा दोबारा पेंट करवा देंगे, क्योंकि जब छत काम बन जाएगा तो घर का पेंट का भी काम चालू होने वाला है, तो सब चीज़ भाई दोबारा करा देंगे, अंदर से नहीं क्योंकि अंदर से भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर दोबारा सारा सामान निकालना पड़ेगा, तो बाहर से अभी अंदर से तो वैसे भी ठीक ठाक है, बाहर से बारिश की वजह से ख़राब हो गया है थोड़ा, तो बाहर से दोबारा हो जाएगा, अब पाइप भी लगा दूँगा अब तो मैं वहाँ पे, क्योंकि अब पानी सीधा अब छत पर ही आया करेगा ना, तो इस वजह से पाइप लगाना ज़रूरी हो जाएगा, तो इनको मैं दाना पानी तो दे ही दूँगा गाइस, बताना भाई काम कैसे चल रहा है घर का और आपको कैसा लगा हमारा घर बन रहा है, तो ठीक है मैं चाहता हूँ कि आपकी भी हमारी जैसी फीलिंग्स रहो, कि आप भी एक हमारे फैमिली मेंबर हो, हमारा घर बने आपका बराबर है बात, ठीक है। तो पानी रंजन दे के चला गया है भर के, तो दाना खा लेते हैं, तो मैं चोस्टिटी को दाना चुका दूंगा और दाना दे दूंगा, बाकी मौसम देख रहे हो कितना ही ज़्यादा काला हो रहा, कब बारिश आ जाए पता नहीं है, रात में बारिश होगी भाई पक्का होगी, बारिश में बारिश रात में, बस अब भाई यही था,
अब तो मम्मी भी छत पर आ जाए करेंगी। एक बात बताऊँ गाइस, जब से हमारा घर बना ना, अभी 8 साल बना हुआ हमारे घर के बने हुए, मतलब हम यहाँ पे 8 साल से ही रह रहे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पहले कहीं और रहते थे। तो हमारी मम्मी है ना, अभी तक भाई छत पर नहीं चढ़ी थी। फर्स्ट टाइम भाई उस दिन छत पर आई, वो भी यहीं तक, फर्स्ट टाइम, ऊपर भी नहीं आई है अभी तक, यहीं तक आई है। तो कितनी बहुत बड़ी बात है, वो बोल रही थी कि पहली बार मैं छत देख रही हूँ, कबूतरों का घर देख रही हूँ अपनी आँखों के सामने। वैसे तो वीडियोज़ में देख लिया करती थी वो भी, बट आँखों के सामने उन्होंने पहली बार देखा है। तो उसके साथ साथ मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा कि छत पे अब वो भी आ सकती है, पहले नहीं आ सकती थी बट वो भी आ सकती है, कबूतरों को देख सकती है हमारे साथ साथ। भाई हम दाना देंगे तो वो भी इंजॉय कर सकती है, कबूतरों को देख सकती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। दाना खा गए शायद, ये खा गए भाई, दाना खा गए, दोबारा दे देता हूँ उनको दाना। थोड़ा ना दिक्कत हो रहा भाई, दाना भी गंदा हो जाता अंदर, क्योंकि भाई कल ही लॉफ्ट साफ़ करा है मैंने ये वाला, क्योंकि बहुत छोटा लॉफ्ट है ये, तो इनको साफ़ सफाई देनी पड़ती है साफ के साथ दाना खाते खाते। ठीक है, तो दाना दे देता हूँ इन्हें। और बहुत सारे कबूतरों ने अंडे रख दिए हैं, वो मैं आपको कभी दिखाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो चुकी है, तो प्लीज़ भाई माफ़ कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बताना भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।